हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे हमारे दूसरे हिस्से के बारे में। सबक है चित्र पाहू या गप्पा मारू या, जो कि दूसरी जमात में मराठी के लिए हमने बनाया है। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हमने मुख्तलिफ किस्म के खेलों और खेलों के वसाइल के बारे में यानी खेलनी के बारे में देखा था। अब हम देखते हैं दूसरे पार्ट में क्या है। चलिए ये देखिए, ये है स्टेकिंग रिंग, यानी एक लकड़ी का या प्लास्टिक का एक गुट्ठा होता है और उसमें हमको रंगीन कलर की एक के बाद एक रिंग डालनी होती है। इस रिंग डालने की एक खासियत ये है कि आपको सबसे पहले नीचे बड़ी रिंग डालना है, फिर उसके ऊपर उससे छोटी, फिर उसके ऊपर उससे छोटी, फिर उसके ऊपर उससे छोटी, इस तरह से आपको रिंग को डालना है। इसके बाद दो बच्चे छोटे छोटे ब्लॉक्स, छोटे छोटे बॉक्स एक के ऊपर एक तरतीब वार रखते हुए, ये गेम भी बहुत मज़ेदार है। उसके बाद हम आमतौर पे हमारे घर में बहुत से खिलौनों के साथ खेलते हैं, जिसमें गाड़ियाँ होती है, डॉल होती है, बॉल होते हैं, मुख्तलिफ किस्म की जानवरों के टॉयज भी होते हैं। ये है गिल्ली डंडा। ये गिल्ली डंडा खेल हमने बहुत अच्छी तरीके से खेला है, आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो इसमें छोटा एक गिल्ली है और एक डंडा है। यह है फुटबॉल, ये स्किप तो हम जानते ही है। यह है रिंग डालना, यानी ये रिंग डालना अलग होता है। ये समान रिंग होती है जो कि हम दूर खड़े रहकर एक किसी मुकाम पर या किसी पत्थर पर या किसी एक गट्टू के ऊपर रिंग फेंकते हैं और वो उसी के अंदर प्रॉपरली जाना चाहिए। इस तरह के बहुत मज़ेदार खेल होते हैं बच्चों। ये एक हवाई जहाज़ उड़ाना है, हम कागज़ का हवाई जहाज़ बनाते हैं। कागज़ का हवाई जहाज़ तो बनाना सबको आता है। और एक होता है हमारा प्लास्टिक वाला या खेलने का छोटा सा हवाई जहाज़, जिसको हम अपने घर में उड़ाते हैं। उसके बाद है रस्सी कूदना। अब रस्सी कूदना हम दो तरह का खेलते हैं, एक तो हम खुद खेलते हैं अकेले, और एक दो हमारे दोस्त दोनों साइड से रस्सी कूदाते हैं और हम उसके ऊपर खेलते हैं। इस तरह से बच्चों, ये वीडियो में हमने इस तरह के खेलों को देखा है और इनके मराठी में नाम भी सीखे हैं। शुक्रिया।